भारत की पुलिस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है लोगों को डराने की, रास्तों पे निकले हुए लोगों को इस तरीके से प्रदर्शन करके दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप घर से थोड़े से काम के लिए भी निकलेंगे तो आपके चांसेस पूरी तरीके से बढ़ जाते हैं कोरोना वायरस लेके अपने घर लौटने का। जी हाँ, और साथ ही साथ अगर आप वो वायरस लेके अपने घर पहुंचे तो बाकी लोगों को भी करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे खबर में बात करें तो आ रही है सलमान खान की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, उन्होंने अपने 25,000 फिल्म इंडस्ट्री के वर्करों को उनके अकाउंट में पैसे देने का वादा किया है। जी हाँ, अभी तक का बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा डोनेशन है फिल्म इंडस्ट्री वालों की तरफ से। दूसरी खबर के बारे में बात करें तो इस वक्त जो खबर है वो आ रही है यूपी से। जी हाँ, कल ट्विटर और व्हाट्सएप पे ये वीडियो काफी वायरल रही। बताया जा रहा था कि दिल्ली से लौटते हुए लोगों को यूपी में नहलाया धुलाया गया है और डिस इन्फेक्शन चीजों से उनको साफ सुथरा किया गया। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा कि ये एक मिथ है जिसको यूपी सरकार फैक्ट समझ करके कर रही है। जी हाँ, किसी को नहला धुला देने से वायरस खत्म नहीं हो जाता। अगर वो वायरस अपने अंदर लेके आए होंगे तो ऐसे नहला देने से वायरस खत्म नहीं होगा। अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है निजामुद्दीन। जी हाँ, दिल्ली के मरकज में कुछ लोगों को कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाया गया। गोदी मीडिया ने काफी बुरी तरीके से इस न्यूज को प्रचार किया, कहा कि इनकी वजह से वायरस और तेजी से फैल सकता है, जैसे मानो इन मरकज में रहने वालों की वजह से पूरी दुनिया में वायरस फैला हो। आपके लिए निजामुद्दीन से डायरेक्ट कल रात की एक लाइव रिपोर्ट लेके आए हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान लाइव की एक रिपोर्ट आ रही है जहाँ से आप निजामुद्दीन की कल रात की पूरी कवरेज देख सकते हैं और वहाँ कुछ लोगों से इंटरव्यू भी लिया गया है कि क्या वो सरकार का साथ दे रहे हैं इस कोरोना वायरस से लड़ने में या नहीं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा अपने बयान में और थोड़ी बहुत कवरेज भी है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, हमारा जो भी सहयोग हमसे दिल्ली सरकार को चाहिए जांच कराने के लिए या और एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी को किसी को भी चाहिए, उसका हम सहयोग के लिए तैयार हैं। ये रात से यहाँ पर बसेस का चल रहा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, जांच होनी चाहिए, किसी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक वायरस है, एक हमारे देश के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक आफत बना हुआ है, तो जाँच होनी चाहिए। उसमें हम हर तरह से सहयोग करने के लिए, सपोर्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन सपोर्ट के नाम पर आप इस तरह का सिचुएशन पैनिक क्रिएट नहीं कर सकते कि तबलीगी जमात मरकज या पर्टिकुलर एक कम्युनिटी या एक लोकेलिटी को आप टारगेट करें कि यहाँ से कुछ हो गया है। आज इस तरह की न्यूज़ चल रही थी जैसे लग रहा है कि इंडिया में जितने भी केसेस हुए हैं उसमें मोर देन 50% यहीं से हुए हैं, जबकि अभी तक एक भी पॉजिटिव नहीं है। मरकज निजामुद्दीन से निकले हुए किसी एक शख्स का भी पॉजिटिव नहीं है, जो विदेशी हैं उनमें से भी किसी का नहीं, किसी का कोई पॉजिटिव नहीं है, इंडियन और नॉन इंडियन दोनों में से। लेकिन अंडमान निकोबार के लिए खबर आती है कि वहाँ तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वहाँ से खबर देते हैं 6 लोगों की मौत वहाँ से होती है, तो ये बताया जाता है कि निजामुद्दीन के मरकज से पहुँचने के बाद होती है। एक शख्स जो तमिलनाडु से यहाँ पहुँचते हैं अपने वापस, उनका बताया जाता है कि उनकी मौत जो है वो भी हो जाती है, तो लेकिन वो निकलती है नेचुरल डेथ। इस चीज़ को आप लोग किस तरह देख रहे हैं? तमिलनाडु में जो मौत हुई है, एक वो जैसे आपने ही बताया कि नेचुरल डेथ है। अब नेचुरल डेथ किसी की कहीं भी कभी भी हो सकती है, उसमें तो कोई जिम्मेदार नहीं है कि वो कहाँ गए थे। नेचुरल डेथ तो इस बीमारी से पहले भी रोज़ाना सैकड़ों दिल्ली में ही होती थी, उसके लिए कोई जिम्मेदार तो नहीं है, नेचुरल डेथ है। अब ये कोइंसिडेंट है कि वो कुछ दिन पहले यहाँ तबलीगी जमात मरकज में आए थे, तो उसका कुछ कनेक्शन जोड़ना कोई बनता नहीं है। बिल्कुल, आपको रोक करके दिखा दूं कि इस वक्त में एक बस और है जो पूरी तरह से अब तैयार है जाने के लिए यहाँ से, और हॉस्पिटल में यहाँ से इन लोगों को लेकर के जाया जाएगा। ये लोग सभी सस्पेक्टेड हैं और क्योंकि विदेशों से आए हुए हैं, और यहाँ पर जो बंगला वाली मस्जिद हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ जो सेंटर है जमातों का, वहाँ पर ये लोग थे, और इन सब को पिछले 2 दिन से लगातार ये प्रक्रिया फॉलो की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से कि इन DTC बसेस में इन सबको भरकर लेकर जाया जा रहा है अलग अलग हॉस्पिटल्स में। और ख़ास तौर से बता दूं, कोरोना की स्क्रीनिंग के लिए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हो या फिर LNJP अस्पताल, इरविन हॉस्पिटल जिसको कहा जाता है वहाँ पर, उनके अलावा लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में कोरोना की स्क्रीनिंग के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है जहाँ ऑब्जर्वेशन में पेशेंट्स को सस्पेक्टेड पेशेंट्स को रखा जाएगा, उनकी जांच की जाएगी। उसके अलावा RML और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भी इनका स्क्रीनिंग चल रही है, इनका वहां पर भी टेस्ट वगैरह चल रहा है। मैं आपको लिए चलता हूं आगे भी और दिखाना चाहूंगा वो तस्वीरें कि जहां आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से
तमाम एसडीएम्स की डीएम्स की तरफ से, होमगार्ड्स की तरफ सबको लगाया गया है, सिविल डिफेंस को लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त इन लोगों को यहाँ से लेकर के हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही हैं ये बसेस, और एक के बाद एक, एक के बाद एक जो है उनको ले जा करके जांच कराने का पूरा आदेश दिया गया है। यहाँ पर डीएम्स एसडीएम अभी भी मौजूद हैं। मैं आपको दिखा दूँ तमाम बसेस के जो ड्राइवर्स हैं उनको मेडिकेटेड सूट्स में प्रॉपर तरीके से उनके ग्लव्स वगैरह उनको पहना करके, मास्क लगा कर और दवा वगैरह दे करके रखा गया है ताकि किसी तरह का संक्रमण दूसरों तक नहीं फैले। और मैं आपको दिखा दूं ये बात भी कि अंदर की तरफ अब ये जो बस है इसको अब पूरी तरह से इसमें वो तमाम मुसाफिर आ जाएंगे जिसमें कि लेकर के इनको जाया जाएगा। आप देख सकते हैं दूर तक, मैं कहूँगा कि एक सेकंड लाइट ज़रा ऊपर तक करके दिखाएं, और ये जो बसों की कतार आपको नज़र आ रही है ये दरगाह बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन के पास जो बंगले वाली मस्जिद है उसके बिल्कुल बाहर का आपको इस वक्त में मैं ये सीन दिखा रहा हूँ जहाँ से बसेस तैयार की गई हैं। दर्जनों बसेस हैं दूर तक, इस वक्त आप देख सकते हैं डीटीसी की लो फ्लोर बसेस हैं, इन्हीं में यहाँ से ले करके अब सस्पेक्टेड लोगों को जो कि जमातों में आए हुए हैं उनको लेकर के जाया जा रहा है।